संक्रमित जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग को दुकानदारी करने का इच्छा नहीं करता। अभी कोई खास नहीं है, कस्टमर घर से निकलना नहीं चाह रहा डर के मारे की। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के देवघर में। बाबा की नगरी कहलाती है, बाबा भोलेनाथ बाबा बैद्यनाथ की नगरी है देवघर। लंबे लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हैं अनलॉक 4 में, कल से जो अनलॉक 4 लागू हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं बाज़ार खुलने लग गए हैं, होटल भी खुलने लग गए हैं। यहाँ पर बाज़ार की स्थिति देख सकते हैं, भीड़ भाड़ भी काफ़ी है। और अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, व्यवसायियों से मिलेंगे कि बाज़ार का यहाँ पर क्या हाल है, व्यवसायियों का क्या हाल है, किस तरह का व्यापार चल रहा है और कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि श्रद्धालुओं पर ही यहाँ का बाज़ार ज़्यादा टिका रहता है। सावन और भादो में लॉकडाउन के कारण यहाँ पर स्थिति एकदम, जो व्यवसायी हैं वो बता रहे हैं कि उनकी बदतर स्थिति हो चली है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के व्यवसायी। क्या नाम हुआ आपका? आस्तिक। इतने दिनों के बाद अनलॉक 4 में होटल वगैरह खुलना शुरू अब हो रहा है, देवघर में भी स्थिति वही दिख रही है, क्या लग रहा है व्यवसाय कैसा चल रहा है? अभी तो 20-30% अच्छा हुआ है खोलने के बाद। पहले तो ऐसे हम लोग पार्सल के लिए खोले थे सिर्फ, बट अभी जो है कुछ अच्छा चल रहा है। 2 दिन हुआ, अच्छा चल रहा है। अभी अब शुरू हुआ है तो अच्छा चलना शुरू हो गया, अब चल रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। बाबा का और जब मंदिर पूरी तरह से चालू होगा तो पूरी तरह से होगा तो फिर बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। क्या अभी कोई खास नहीं है? क्या लगता है जो समय लगे बाबा मंदिर खुलने के बाद ही ना कुछ होगा? मुश्किल तो होती होगी, इतने स्टाफ हैं। बिल्कुल, कैसे क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, स्टाफ कम लोगों को बुलाए हैं, काम चल रहा है इसी तरह, बस काम किसी तरह से चल रहा है, बस और क्या। बाबा मंदिर खुलने के बाद ही कुछ होगा। व्यवसाय में तो बहुत फर्क पड़ रहा है सर, संक्रमित जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग को दुकानदारी करने का इच्छा नहीं करता। सरकार जिस हिसाब से छूट दे रही है उस हिसाब से कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया। गाइडलाइन जो जारी किया गया है वो जो है पूरे बाजार में या पूरे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना कोई प्रशासन है ना कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। हम लोग अपने स्तर से जहां तक होता है ठीक से कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने भी जान को बचाएं और ग्राहक को भी अच्छा से सुविधा प्रदान करें ताकि वो भी सुरक्षित रहे। देखिए, सरकार ने लॉकडाउन स्टार्ट किया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, बहुत सारे लॉकडाउन का स्टेप्स चले, लेवल पे गए, फिर अभी अनलॉक हो गया है, सारे परिवहन वगैरह भी स्टार्ट हो गया। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। जब लॉकडाउन था तब भी ऐसी ही भीड़ें चल रही थी, लोग कोरोना को ताक पे रख के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। अभी अनलॉक है तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस नहीं है, बस एक यही चीज़ है कि पहले लॉक था अब अनलॉक है, बस वो पेन पेपर तक ही सीमित है और कुछ नहीं है। प्रभावित तो बहुत हैं, लेकिन तब है कि सब मिला जुला के काम तो चलाना ही पड़ेगा और थोड़ा बच के करना पड़ेगा और मास्क लगा के चलना पड़ेगा, सुरक्षा पहले जो, हाँ तो ये तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। बाकी काम तो रुकना नहीं है, काम तो होगा ही। कैसा लग रहा है मैम आपको, मार्केट में है बहुत दिनों के बाद अनलॉक की जो प्रक्रिया चल रही है, कैसा फील कर रहे हैं बाजार में? घर में तो बहुत दिन रह चुके हैं, घर में तो बहुत दिन रह चुके हैं, थोड़ा अभी मार्केट इसलिए कि इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ के लिए, सफ़र करने के लिए सबसे ज़रूरी है, तो इसके लिए देखिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, आप सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, अपने सुरक्षा पहले सुरक्षा है, बाद में फिर कुछ। कोई खास नहीं है बाज़ार में, कोई वैसा कोई दम बोल के कुछ नहीं है। बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ दर्शन को? क्या आ रहे हैं, एकाध दो चार पांच आदमी, वैसा कोई पूजा किया करने का कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा तो क्या आएंगे। ऑर्डर भी नहीं है और गाड़ियां भी बंद है, तो अभी बंद है जी। चलिए, तो व्यवसाय भी, व्यवसाय बोल के अभी कुछ नहीं है, एकदम ठप पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है सारी चीज़ पे, परेशानी सबको हो रही है, उसके बाद भी सारा चीज़ नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है अभी। ग्राहकों का क्या रुझान है? नहीं, ग्राहक अभी मार्केट में वैसा कुछ है नहीं, अभी बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। बाज़ार का हाल तो बहुत ख़राब है अभी, उस तरह का जिस तरह का बाज़ार होना चाहिए उस तरह का बाज़ार है नहीं। अभी हाल फिलहाल में जितिया पार हुआ जिसमें हम लोगों को फुर्सत नहीं रहता था, तीज तो उसमें हम लोगों को फुर्सत नहीं रहता था, तो पूरा मार्केट खाली था, कस्टमर घर से निकलना नहीं चाह रहा डर के मारे कि कैसा रहेगा कोरोना, रहेगा कैसा रहेगा कोरोना रहेगा,
और यही अभी मार्केट ख़राब ही है, आप खुद देख रहे हैं कि मार्केट खाली है, एक भी कस्टमर नहीं है। तो और इतने इतने स्टाफ को रखना, सबको चलाना, अपने घर से पैसा देना बहुत नुकसान है। अभी अभी चीज चल रहा है और अच्छा बोल नॉर्मल हुआ है, इतना बड़ा इससे बात बोलती हूँ सवाल। लॉकडाउन में फिर कैसा था? लॉकडाउन में दुकान खुला रहता था? नहीं खुला नहीं था, बंद होता बंद था। हाँ बंद था। अच्छा अभी लॉकडाउन जब से खुला है तब से अभी कारोबार में कितना फर्क आया? पहले नॉर्मल में आया। नॉर्मल में आया? हाँ नॉर्मल में आया।